वेलकम टू क्विक डूअर शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए 3 ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 से रिलेटेड है कि इसका तकरीबन वेन्यूज़, इसके जो टीम्स हैं जो क्वालिफाई हुई हैं सुपर 12 के लिए, जो 8 टीम्स क्वालिफाई हुई हैं, वन टीम्स वो आ चुकी हैं कन्फर्म टीम्स, और ये भी आ चुका है कि फर्स्ट मैच किस डे को होगा, किस डेट को होगा, और सेमीफाइनल 1, सेमीफाइनल 2 और ग्रैंड फिनाले वो कब होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को वेन्यूज़ बता देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा और ऑस्ट्रेलिया के जो वेन्यूज़ होंगे वो टोटल होंगे 7 वेन्यूज़ पर T20 वर्ल्ड कप हमारा पूरा कराया जाएगा, ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2022। अभी हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ ये 4 वेन्यूज़ पर हुआ था। अभी हमारा 2021 में जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया जीती है, वो असल में 4 वेन्यूज़ पर हुआ था, ओमान, UAE के 3 वेन्यूज़ थे और ओमान का एक मस्कत वेन्यू था, तो टोटल 4 वेन्यूज़ थे, लेकिन अब टोटल 7 वेन्यूज़ पर कराया जाएगा। इतने ज़्यादा वेन्यूज़, प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना होगा। वेन्यूज़ में आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे जो फर्स्ट वेन्यू है वो है पर्थ, सिडनी, गीलोंग, होबार्ट, एडिलेड, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, ये सारे 7 वेन्यूज़ हैं, ये कन्फर्म वेन्यूज़ हैं जो ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2022 में होंगे। फिर जो टीम्स हैं, जो 8 टीम्स क्वालिफाई हुई हैं सुपर 12 के लिए, और ग्रुप्स अलग अलग बना दिए गए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, तो ग्रुप 1 में है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश, वही सेम टू सेम ग्रुप है, बस फ़र्क ये है कि बांग्लादेश आ गया सुपर 12 में और वेस्ट इंडीज़ बाहर हो गया, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ लास्ट पे था सुपर 12 अभी इस साल के, तो इसलिए उनको बस क्वालिफाइंग राउंड खेलना होगा, फिर इनको सुपर 12 में क्वालिफाई होना होगा। फिर जो ग्रुप 2 है उसमें है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, हमें इस बार भी पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में दिखाई देंगे, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हमें ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर होते हुए देखेगा, और हम लाइव फिर से एक और बार 2022 में हम ये लाइव मैच बैठकर देखेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। फिर जो फर्स्ट मैच होगा वो होगा 16 अक्टूबर 2022 को, ये होगा फर्स्ट मैच, और फिर सेमीफाइनल 1 9 नवंबर 2022 को होगा सिडनी में, और सेमीफाइनल 2 10 नवंबर 2022 एडिलेड में होगा। ये पूरे कंफर्म हो चुके सेमीफाइनल 1 और सेमीफाइनल 2 के वेन्यूज और डेट्स, और ग्रैंड फिनाले, जो ग्रैंड फिनाले होगा वो होगा 13 नवंबर 2022 इन मेलबर्न। मेलबर्न का ग्राउंड वैसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ग्राउंड है, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का जो ब्यूटीफुल ग्राउंड लगता है वो मुझे मेलबर्न का ग्राउंड लगता है, क्योंकि मेलबर्न की जो ऐसी ग्रास उन्होंने इतनी स्मूथ बनाई हुई होती है और बहुत अच्छी ग्रास लगती है मुझे मेलबर्न की, तो इस वजह से तो हमारा उम्मीद है कि हमारा ये सक्सेसफुली, ये जो वर्ल्ड कप है 2022 का वो हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं कि बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड बना दिया टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से इस कैलेंडर ईयर में। बाबर आजम ने इस पूरे कैलेंडर ईयर में पोस्ट टेस्ट विंस एज कैप्टन का रिवॉर्ड हासिल कर लिया है, और बाबर आजम ने टोटल 8 मैचेस में 7 विंस हासिल किए हैं, और विराट कोहली सेकेंड नंबर पर, उन्होंने 10 मैचेस पे 6 विकेट्स हासिल किए हैं, और जॉय रूट थर्ड नंबर पे, जिन्होंने 13 मैचेस में 4 विंस हासिल किए हैं। तो ये थी पूरी मोस्ट विंस एज कैप्टन इन 2021, और नंबर टॉप पे हमारे बाबर आजम चल रहे हैं मोस्ट विंस एज कैप्टन इन T20 में भी, और T20 में नंबर 1, ODI में नंबर 1, इतने रिकॉर्ड्स के पहाड़ बना रहे, पहाड़ खोद रहे हैं, ये हम करें कि पहाड़ डिग कर रहे हैं बाबर आजम, इतने रिकॉर्ड्स उनके पास हो रहे हैं। और ज़रा हम ये भी बता देते हैं कि जब पाकिस्तान की अंडर 19 ने इंडिया की अंडर 19 को जब बीट किया था एक थ्रिलर मैच में, तो फिर PCB चेयरमैन रमीज राजा का क्या रिस्पांस था इस पर, पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम का क्या रिस्पांस था, और सकलेन मुश्ताक का क्या रिस्पांस था, और शाहिद आफरीदी का क्या रिस्पांस था। सबसे पहले मैं आपको PCB चेयरमैन रमीज राजा का रिस्पांस बना देता हूँ। उन्होंने बोला है कि मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, एग्रेशन के साथ खेला आप लोगों ने, और आपने एक ट्रमेंडस गेम खेला है, और आपने अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखा है इंडिया को बीट करने में। और फिर पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम का क्या रिस्पॉन्स है इस पर, वो है, उन्होंने बोला कि वेल डन यंग बॉयज़, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और ऐसे ही आप परफॉर्म करते रहें, और आप हम सबको, पूरे कंट्री को आप प्राउड करें, और हमें सब पूरे कंट्री को प्राउड फील करें, और आप ऐसे ही सक्सेस के साथ अपनी क्रिकेट को जारी रखें।
फिर तो सकलैन मुश्ताक का जो बयान है इस पर वो ये है कि रियली प्राउड ऑफ यू बॉयज ऑन द विन, ग्रेट मैच, कीप इट अप, पाकिस्तान जिंदाबाद। सकलैन मुश्ताक का ये रिस्पॉन्स आया इस पर और वो भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं अपने यंग बॉयज पर जो हमारे पाकिस्तान के, जिन्होंने इंडिया की अंडर 19 को डिफीट दी है, तो इस पर सभी प्राउड फील कर रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद में उन्होंने कहा है। फिर शाहिद आफरीदी ने भी कॉन्ग्रेट्स कहा है अंडर 19 के बॉयज को, जिन्होंने एक इम्प्रेसिव विन अगेंस्ट इंडिया हासिल की है, और फिर उन्होंने बोला है ऑल द बेस्ट फॉर एशिया कप एंड अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने। और फिर ये था इनके, इन चारों के बयान जो और रिस्पॉन्स जो इनके आए हैं अंडर 19 की जो विन हुई है हमारी इंडिया के अगेंस्ट। और वो और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि ये ईयर इंडिया के लिए बैड ईयर, डार्क ईयर साबित हो रहा है, क्योंकि हमने हमारी जो पाकिस्तान की जो मैन इन ग्रीन टीम है, हमारी जो असल टीम है, उन्होंने भी हराया इंडिया को, इंडिया की असल टीम को, और हमारी अंडर 19 टीम ने भी इंडिया की अंडर 19 टीम को हराया। और मैं क्रिकेट लवर्स के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ, गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि मैं एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्रिक इन्फो के नाम से। उनमें मैं जितने भी लेजेंडरी क्रिकेटर्स गुजरे, जितने भी लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, उनकी मैं शॉर्ट शॉर्ट बायोग्राफी में आपको बताऊँगा, उनके रिकॉर्ड्स बताऊँगा और उनके स्टैट्स बताऊँगा कि उन्होंने कितनी विकेट्स हासिल की, कौन कितनी एवरेज थी, क्या उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए, कौन कौन से बैट्समैन उनसे डरते थे, क्या उन्होंने एक जैसे कहते हैं एक दहशत मचाई हुई थी क्रिकेट की दुनिया में, वो मैं सब आपको अपने नए सेगमेंट में क्रिक इन्फो के नाम से मैं बताऊंगा। और कोशिश करूंगा मैं वीकली ये एक वीडियोस तो ज़रूर पोस्ट करूं, शॉर्ट बायोग्राफी की ज़रूर मैं बनाऊं क्रिक इन्फो के सेगमेंट के नाम से। ये थी मैं आज की वीडियो, पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और क्रिकेट के शौकीन के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।